ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। ये कार्यक्रम LLM द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जुडिशियल प्रोसेस की तीसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम जुडिशियल एक्टिविज्म। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। आज की चर्चा का विषय है न्यायिक सक्रियता अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म। आज की चर्चा में हम विशेष रूप से न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन, जनहितवाद और जुडिशियल रेस्ट्रेंट अर्थात न्यायिक अवरोध पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उस विधि को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है उस विधि का निर्वचन करना। चौथा स्तंभ लोकतंत्र में पत्रकारिता को माना जाता है। इन चारों की सक्रियता, संबद्धता और सजगता पर ही सारा दारोमदार टिका है। जब भी इनमें से कोई एक या दो किन्हीं कारणों से ढीले पड़ जाते हैं या अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। असल में विधायिका और कार्यपालिका ही नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। यदि कोई संस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करती है तो न्यायपालिका को अधिक सक्रियता दिखानी पड़ती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका की ये सक्रियता जिसे कि हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं, न्यायिक सक्रियता का अधिकार न्यायालयों को कहां से मिला है? क्योंकि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्विलोकन का विस्तार है। तो न्यायिक सक्रियता पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आवश्यक ये है कि हम जान लें कि न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू क्या है। क्या भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग किसी अनुच्छेद में किया गया है या नहीं? दूसरा प्रश्न उठता है न्यायिक पुनर्विलोकन हमने भारत के संविधान में किस संविधान से लिया है? तो इस चर्चा में पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिकी संविधान की एक विशिष्ट देन है। इसके द्वारा न्यायपालिका को संविधान का
संरक्षक बनाया गया है और ये घोषित किया गया है कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून या निर्णय संविधान की सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमरीकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने सन 1803 में मार्वरी बनाम मेडिसन के बाद में किया था। मार्शल ने पुनर्वलोकन की व्याख्या करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से न्याय विभाग का कार्य एवं क्षेत्र है कि वो बताए कि कानून क्या है। अगर न्यायालयों को संविधान का सम्मान करना है और संविधान किसी व्यवस्थापिका के सामान्य कानून से उच्च है तो सामान्य कानून की अपेक्षा संविधान को ही उस मामले में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा जिस पर ये दोनों लागू होते हैं। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन का साधारण अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वो किसी कानून या सरकारी कार्यों को जिसे वो मूल कानून या संविधान के विरुद्ध समझता है असंवैधानिक घोषित कर सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन किसी देश के न्यायालयों द्वारा इस्तेमाल की गई वो शक्ति है जिससे वो सरकार की विधायी कार्यपालक और प्रशासनिक अंगों के कार्यों का परीक्षण तथा ये सुनिश्चित कर सकती है कि कौन से कार्य संविधान के अनुरूप हैं और जो कार्य संविधान के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे उन्हें असंवैधानिक गैरकानूनी और निरर्थक घोषित किया जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान में न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। फिर भी संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं जो कि न्यायालय के इस अधिकार को प्रकट करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और हम कह सकते हैं अनुच्छेद 245 और 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लास 1 एंड क्लास 2 जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले की तमाम विधियां यदि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में हैं तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। All the laws can be declared void if they are inconsistent with the provision of the Constitution. वो सारे कानून जो संविधान के मौलिक अधिकारों से असंगत हैं उन्हें न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 का क्लास 2 कहता है कि the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. If any law made by the state inconsistent with the part 3rd can be declared void. अर्थात कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि ऐसा कोई कानून राज्यों के द्वारा बनाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है और इस शक्ति को हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। अनुच्छेद 32 जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है न्यायिक पुनर्विलोकन में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो उसके उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय में कोई भी बात फाइल कर सकता है, कोई भी सूट फाइल कर सकता है। तो इट मीन्स आर्टिकल 32 इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट और एनी पर्सन हुज राइट्स हैज बीन वायलेटेड कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विल इंटरटेन द पिटीशन एंड विल प्रोवाइड द रेमेडी। और उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उपचार प्रदान करेगा।
अनुच्छेद 131 के तहत कोई भी विवाद दो राज्यों में या दो से अधिक राज्य और भारत संघ के बीच है, न्यायालय उसका निपटारा कर सकता है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत स्पेशल लीव पिटीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल कर सकता है। अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय की अधिकारता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार अथवा अन्य अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्षकार उच्च न्यायालय में उसके लिए मुकदमा दायर कर सकता है। अनुच्छेद 246 और 245 जो कि संघीय संविधान से संबंधित हैं, यदि कोई भी सरकार दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करती है तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत दोनों सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 द एक्सक्लूसिव पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट। लिस्ट 1 के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को। लिस्ट 2 के मींस स्टेट लिस्ट, जिसके किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया राज्य सरकारों को। और कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ द गवर्नमेंट हैज कॉन्करेंट पावर टू मेक द लॉ, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके किसी भी विषय पर कानून बना सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने तमाम अनुच्छेदों के जरिए समाहित की है। विशेष प्रकार से न्यायिक पुनर्वलोकन दो रूप से लागू किया जा सकता है, एक अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, दूसरा अगर किसी संघीय शासन व्यवस्था में कोई सरकार दूसरे सरकार में के कार्य में हस्तक्षेप करती है, अर्थात किसी संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करती है तो न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जा सकता है। इस पे विस्तृत चर्चा से पहले जरूरी है कि हम उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण जान लें। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है तथा प्रत्येक विधि संविधान के उपबंधों के अनुसार होनी चाहिए और ये कार्य न्यायपालिका का है कि वो निर्णित करे कि कोई अधिनियम संवैधानिक है या नहीं। इस शक्ति को हम न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहते हैं। इसके अलावा भारतीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस VJ रो 1952 के बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। हमारे भारत वर्ष के संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसे कि हम जानते हैं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इवॉल्व द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधारभूत ढांचे को संशोधित करने की शक्ति संसद को नहीं है, मींस द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन को आधारभूत ढांचे का एक भाग माना। इस बात में दिए गए निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद ने 42वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 368 में क्लास 4 और 5 ऐड किए। क्लास 4 और 5 में कहा गया कि संसद को पूर्ण शक्ति है संविधान में संशोधन करने की और इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कह सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 4 और क्लास 5 को, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में
जोड़े गए थे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये दोनों क्लास आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं और न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा और भी तमाम निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन के महत्व को माना। रिसेंटली इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल AIR 2010, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद रिगार्ड टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विच इज इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट्यूटरी प्रोविजन्स। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल उठता है, क्या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर कोई सीमाएं लगाई जा सकती हैं? जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था अगर कोई भी कानून राज्य सरकार या संसद द्वारा बनाया गया है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उस पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, उसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बाद में अब निर्धारित किया कि अगर 24 अप्रैल 1973 जो कि तिथि है केशवानंद भारती के निर्णय की, अगर कोई भी विषय कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है और वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे इसके बावजूद भी कि वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है उच्चतम न्यायालय में उसे चैलेंज किया जा सकता है। मींस एनीथिंग इफ हैड बीन पुट इन द 9th शेड्यूल आफ्टर द डेट 24th अप्रैल 1973 कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड इट वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की तारीख में कोई चीज़ 9वीं अनुसूची में डाल दी गई है और वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, बिकॉज इन इंडिया वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टू पुट द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट that can only be imposed through the power of the judicial review can be exercised by the court of law। कि न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा भारत में संविधानवाद स्थापित कर सकती है। तो भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जो कि न्यायालयों को दी गई है उसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जानते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो कि चर्चा का मेन विषय है वो है न्यायिक सक्रियता। जैसा कि हमने जाना, न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तार है। इट इज टू बी सेड जुडिशियल एक्टिविज्म इज द एक्सपेंशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू बिकॉज द वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म नॉट यूज इन एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नाइदर आर्टिकल 32 और 226। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है और हमारी न्यायपालिका आज की तारीख में सक्रिय न्यायपालिका कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी क्यों पड़ती है? जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि भारतीय संविधान में 3 मुख्य अंग हैं
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसा कि हम जानते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है निर्वचन करना। अगर ये दो अंग अपने काम को या अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते तो तीसरे अंग न्यायपालिका द्वारा उसे अपने कर्तव्य पथ पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश देने पड़ते हैं, वही न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता का प्रयोग तब होता है जब सरकार के शेष दो अंग कार्यपालिका और विधायिका अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हों तो सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका द्वारा उसे अपने कर्तव्य पथ पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश देने पड़ते हैं और वही न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान के दिनों में न्यायिक सक्रियता शब्द पर बहुत अधिक चर्चाएं हुईं और ये शब्द बहुत अधिक सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसके विवाद का विषय है कि विधायिका ये कहती है कि न्यायपालिका हमारे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रही है और ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन अगर दो अंग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो न्यायपालिका को भारत के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए जरूरी है कि वो अपनी सक्रियता दिखाए। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक प्रमूलकन का विस्तार कहा जाता है। इस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती के अनुसार जिन व्यवस्थाओं में न्यायालयों को पुनर्विलोकन का अधिकार है वहीं न्यायिक सक्रियता होती है। न्यायिक सक्रियता का स्वरूप तकनीकी और सामाजिक दोनों होता है। न्यायिक सक्रियता के बारे में कहा जाता है कि मुख्य रूप से दो कारणों की वजह से न्यायालय को सक्रिय होना पड़ा। देयर आर टू थ्योरीज, नंबर वन थ्योरी दैट इज द वैक्यूम थ्योरी और नंबर टू थ्योरी दैट इज द सोशल बॉन्ड थ्योरी। वैक्यूम थ्योरी जो खालीपन दो अंगों के काम न करने की वजह से उत्पन्न हुआ है उसे भरना, इट इज नोन एज ए वैक्यूम फिलिंग थ्योरी। और सोशल बॉन्ड थ्योरी कि जब समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अगर दोनों अंग अपना काम ठीक से नहीं करते तो समाज की आवश्यकताओं और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी पड़ती है। समय की बाध्यता के कारण हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा और न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति और न्यायिक अपरोध, ओरिजिन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, ये हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस अंक में हमने चर्चा की कि न्यायिक सक्रियता का उदय कहाँ से हुआ तो पता ये चला कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन से इसका विस्तार हुआ, न्यायिक पुनर्विलोकन से विस्तार हुआ। फिर हमने चर्चा की न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से आया। जैसा कि हमने चर्चा की कि न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने अमेरिकन संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान में भी न्यायिक पुनर्विलोकन को ओरिजिनली नहीं लिया गया था, इसे न्यायालय के निर्णय के द्वारा जस्टिस मार्शल ने 1803 में इसे प्रतिपादित किया। अब इसमें विद्यार्थियों के लिए जरूरी यह है कि ये जान लें कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में न्यायिक पुनर्विलोकन पर आ सकते हैं। तो पहला सवाल उठता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं, न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से इसकी विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस। अगर सवाल ये आता है तो इसका उत्तर कैसे दिया जाए, जो कि सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने रहती है, तो इसके उत्तर में जरूरी यह है कि पहले हम इसके मीनिंग को बताएं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या, पुनर्विलोकन है क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। जैसा कि हमने चर्चा की, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है। फिर विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे कि भारत के संविधान में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कि न्यायालयों को
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। जैसा कि हमने चर्चा की कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और 245 और 46 को भी हम कह सकते हैं। इन अनुच्छेदों पर चर्चा करने के बाद विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करें, जिसमें कि न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन के महत्व पर विस्तार पूर्वक तमाम वादों में निस्तारण किया है। जैसा कि हमने अपनी चर्चा में कुछ वादों पर चर्चा की, एके गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज विजयरो, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आई आर कोहेलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसके अलावा भी विद्यार्थी क्योहातो हालोहान वर्सेज जाचिलू AIR 1993 और एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 की भी चर्चा कर सकते हैं। क्योहातो हालोहान और एल चंद्र कुमार दोनों ही वादों में न्यायालय ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमारी संसद उसमें कोई संशोधन करके उसे समाप्त नहीं कर सकती। इसके बाद विद्यार्थियों को जरूरी है कि इसका सारांश, इसका कॉन्क्लूजन लिखें, जिसमें कि वो अपनी राय को भी व्यक्त कर सकते हैं कि वो न्यायिक पुनर्वलोकन की इस शक्ति के बारे में क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछा जा सकता है, विद्यार्थियों से ये पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक दैट द जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यस गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द केसेस। उनसे पूछा जा सकता है क्या आप समझते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है, और यदि हाँ तो इसका न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। उत्तर लिखने का तरीका इसमें भी वही रहेगा, बताना सिर्फ सीक्वेंस में आपको पड़ेगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी चर्चा में बताया कि न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का भी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी तमाम ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन को भारतीय संविधान में समाहित किया, और इस बात को हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय ने तमाम वादों में स्वीकार भी किया और उसे आधारभूत ढांचे का एक भाग माना। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचे का भाग है और उसका फायदा भी हमें मिलता है। कोई भी कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बनाती है, कोई भी डिसीजन अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेती है, कोई भी निर्णय अगर प्रशासनिक अधिकारी लेता है और वो भारतीय संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा 2011 में पीजी थॉमस सीबीसी जो थे उन्हें भी न्यायपालिका ने उनकी नियुक्ति को क्वेश करते हुए कुछ गाइडलाइंस इशू की दैट टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीपीसी। इसका मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन हमारे भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है। आज के इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अंक में हम चर्चा करेंगे न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति की और न्यायिक सक्रियता के महत्व की और न्यायिक सक्रियता के नाम पर क्या न्यायपालिका दूसरे अंगों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है या नहीं, क्या न्यायपालिका भारतवर्ष में जरूरी है या नहीं। अभी आप सुन रहे थे विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम।
जुडिशियल एक्टिविज्म। आज आपने इसका पहला भाग सुना। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक, उद्घोषिका विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।